गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब आप लोग अपना जो मोबाइल है उसको म्यूट कर लीजिए। ओके सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग एलियम सिपा मेडिसिन को कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग न्यू मेडिसिन में आएंगे, दैट इज एलोस्ट्रोकोटिना। एलोस्ट्रोकोटिना में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सिम्टम है, क्या इसका फिजिकल जनरल कंप्लेन है, ये सारा सिम्टम हम लोग एलोस्ट्रोकोटिना में देखेंगे। ये एलोस्ट्रोकोटिना का प्लांट है जिसमें कि हम लोग वेल नोन है इस प्लांट से, और हम लोग को मालूम है कि इसका क्या क्या यूज है जो कि हम लोग जनरल यूज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आने से पहले, चूंकि ये प्लांट हम लोग अभी देख रहे हैं एलोस्ट्रोकोटिना, और ये जो है होम किट पर्पस और डोर टू डोर में जो है ये प्लांट अवेलेबल है, फॉर शोपीस भी हम लोग कर सकते हैं या मेडिसिनल प्लांट भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसके कॉमन नेम में आते हैं कि एलोस्ट्रोकोटिना का जो कॉमन नेम है वो सोक्रोटीन एलोस के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रूवर का जहां तक बात है तो डॉक्टर हेल्विक है जो कि जर्मनी में इन द ईयर ऑफ 1833 में ये मेडिसिन को प्रूव किया गया था। फैमिली है लिलियेसी फैमिली। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो कि मेडिसिनल एक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं वो 30-40 days है। सोर्स का अगर देखते हैं तो ये सोर्स जो है ये वेजिटेबल किंगडम का रेमेडी है। अब हम लोग इसके हैबिटेट में देखते हैं जो कि इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। जो ये एलोज स्ट्रोकोटिना जो है, या हम लोग इसको स्ट्रोकोटीन एलोज के नाम से जानते हैं, इसका जो स्पेसीज है वो नियर अबाउट 200 स्पेसीज है। 200 स्पेसीज मतलब कि 200 प्रजाति का जो है ये अवेलेबल है, जो कि हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। तो जहां तक ये एलोज का बात है कि एलोज जो है ये बहुत अच्छा वर्क करता है और ये एक्सीलेंट रेमेडी माना गया है, जस्ट लाइक या इसका बहुत सारा सिम्टम जो है वो सिमिलर सिम्टम है लाइक नक्स भूमिका। नक्स भूमिका इज एन अनदर रेमेडी, और हम लोग को मालूम है कि नक्स भूमिका का भी जो है ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में आता है। तो वैसे ही ये एलोस्ट्रोकोटिना भी जो है इसका बहुत सारा सिम्टम जो है ये हम लोग सिमिलर सिम्टम या सिमिलर में देखते हैं जो कि नक्स भूमिका में आता है। उसके अलावा हम लोग इसमें यह भी देखते हैं कि इसका बैड इफेक्ट ऑफ सेडेंटरी हैबिट्स और लाइफ, जो हम लोग जस्ट प्रीवियसली नक्स भूमिका में भी देखे थे कि कोई ऐसा हैबिट, या हम लोग उसको कहेंगे कि ये सेडेंटरी हैबिट से जो है उसका जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं वो नहीं जा रहा है, तो उसमें भी जो है एलोस्ट्रोकोटिना को भी जो है हम लोग सोच सकते हैं या देते हैं। नेक्स्ट है कि एलोस को जो है हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जो है हम लोग जानते हैं, जस्ट लाइक सेल्सस, डायोस्कोराइट्स एंड प्लीनी। ये तीनों नेम है जो कि हम लोग एलोस को जो है, और निक नेम या कॉमन नेम भी हम लोग जानते हैं जो कि सेल्सस के नाम से या डायोस्कोराइट्स के नाम से या प्लीनी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि ग्रीक, जो इसके ग्रीक ऑथर थे या अरेबियन फिजिशियंस, जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये मेडिसिन को यूज किया जाता था, या जो है जो अरेबियन फिजिशियंस है उनको जो है एलोस से जो है नाम कम जाना जाता था, लेकिन उन लोग नोन थे, उन लोग जानते थे जो कि सेल्सस, डायोस्कोराइट्स एज वेल एज प्लीनी, ये तीन नाम से जो है वो अरेबियन फिजिशियंस जो है इसको कॉल करते थे। फिर इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हम लोग इसके एलोस और स्ट्रोकोटिना, तो एलोस का जो अगर देखा जाए कि द वर्ड एलो, एलो का ऑरिजिनेशन कहां से हुआ, तो ये अरेबियन फिजिशियंस ही जो है इस वर्ड को लाए, जो कि एलोज के नाम से जानते हैं, A-L-L-O-C-H, एलोज।
इसका मीनिंग है दैट इज शाइनिंग बिटर सब्सटेंसेस, कुछ कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि हम लोग को देख के लग जाए कि कहीं ना कहीं इसका जो सब्सटेंसेस है ये शाइनिंग कर रहा है। और अगर बिटर सब्सटेंसेस कैसे हम लोग को मालूम चलेगा, जब हम लोग इस मेडिसिन को अगर या इसके हम लोग ये मेडिसिन नहीं कहेंगे इसके क्रूड फॉर्म को या अगर इसके प्लांट को अगर हम लोग इसको ये डायरेक्टली अगर हम लोग इसको माउथ में लेते हैं फॉर टेस्ट पर्पस, तब जो है कहीं ना कहीं इसका जो टेस्ट है वो बिटर सब्सटेंसेस का ये जो है टेस्ट लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉलोअर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चौधरी। डॉक्टर चौधरी जो है वो क्या बता रहे हैं इस मेडिसिन में कि अगर हम लोग ये एलोस को अगर हम लोग मेट्रियो मेडिका में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो ये मेडिसिन है वो जो है फुलफिल नहीं होगा। फुलफिल नहीं होगा इन द सेंस ये हुआ कि हम लोग जो है इसको ये नहीं कर पाएंगे। इसमें जो वर्ड दिया हुआ है कि द वर्ड टू राइट ए मेट्रियो मेडिका विदाउट एलो इज टू राइट ए नॉवल विदाउट ए हीरो। अगर हम लोग जो है इसके इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं विदाउट एलोस के अलावा अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन को देखते हैं तो ये जो है एक अधूरा नाम हो जाएगा, एक अधूरा हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये उसको हम लोग कहेंगे कि उसके बिना काम नहीं होगा, डिपेंडेंसी उस टाइप का एक हम लोग इसमें भी देख रहे हैं जो कि एलोस में बताया गया है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके एलोस का और एडवांटेज देखते हैं तो अभी जो हम लोग प्रीवियसली बात किए कि एलोस जो है ये सिमिलर रेमेडी या एक्सीलेंट रेमेडी माना गया है जस्ट लाइक नक्स भूमिका, वैसे ही हम लोग ये एलोस का जो रोल है हम लोगों पे वो जो है पर्गेटिव पे बहुत अच्छा एक्शन है। पर्गेटिव इन द सेंस ये हुआ कि दोस टाइप ऑफ मेडिसिन विच आर एक्ट इन आवर बॉडी इज इन लैक्सिटिव। लैक्सिटिव इन द सेंस ये हुआ कि बहुत सारे पेशेंट में हम लोग देखते हैं कि मोशन डिस्टर्बेंस होता है, कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि बार बार उसको ये फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होगा जस्ट लाइक नक्स वोमिका, जस्ट लाइक ओपियम, जस्ट लाइक रेटेनिया, ये बहुत सारा मेडिसिन है उसमें भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है जस्ट लाइक एलुमिना। वैसे ही हम लोग इस एलोज में भी देख रहे हैं कि एलोज को जो है पर्गेटिव में हम लोग यूज करते हैं कि कोई अगर कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग कर रहा है इसका एलोज मेडिसिन का जो कॉन्स्टिपेशन है वो कैसा रहेगा जब हम लोग इसके मोशन डिस्टर्बेंस में इंडिविजुअल में पढ़ेंगे तब हम लोग को मालूम चलेगा। लेकिन तब तक के लिए हम लोग को ये जानना है कि ये अगर लैक्सिटिव फूड में किसी को मोशन वो जा रहा है लेकिन बार बार जाने के बाद भी जो है उसको मोशन नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ ठीक ठीक हम बोलते हैं थोड़ा देर में भी क्लास कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग अभी तक जो देखे पार्गेटिव में कि किसी को मोशन नॉर्मल नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट है, डिजायर है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है हम लोग एलोस को जो है एज ए पार्गेटिव मेडिसिन में जानते हैं और हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि एलोस इज नोन टू द वर्ल्ड एज ए पार्गेटिव मेडिसिन, एज ए होल वर्ल्ड में जो है एलोस का बहुत अच्छा एक्शन है जो कि पर्गेटिव में हम लोग देते हैं। नॉट फॉर ओनली द होम्योपैथी एज वेल एज आयुर्वेदा मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी जो है एलोस को जो हम लोग आयुर्वेदा में या बहुत सारे इसमें देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में दैट इज एलोवेरा, एलोवेरा प्लांट, तो एलोवेरा प्लांट जो है उसका भी एक्शन है जो कि कॉन्स्टिपेशन में हो या हम लोग उसको कहेंगे लीवर पे बहुत अच्छा एक्शन है, ऐसा हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके प्लांट में देखते हैं कि ये प्लांट जनरली कहाँ मिलता है तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है इट्स फाउंड ग्रोइंग अपॉन द शोर्स ऑफ द इंडियन ओशंस एंड आइलैंड ऑफ स्कॉटा। इसमें जो है दो इसका नाम दिया गया है इंडियन ओशंस में और जो है आइलैंड ऑफ स्कॉटा में, तो इसका शोर्स का मतलब क्या हुआ दैट इज किनारा, किनारा जैसे कि हम लोग स्लोप्स देखते हैं वैसे ये किनारा में जो है इसका प्लांट जो है कहीं ना कहीं ये ग्रोइंग करता है। वैसे ही हम लोग इसके प्रिपरेशन में देखते हैं, अब हम लोग आते हैं इसके प्रिपरेशन में, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा
या इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं, तो जनरली अगर हम लोग इसके मदर टिंचर में बात करते हैं तो इसके प्लांट का जो जूस रहेगा उसको हम लोग लेते हैं, जो कि इसके लीव से मिलता है। जो एलोवेरा का जो प्लांट है, अभी हम लोग फिर इसके प्लांट के फिगर पे आते हैं, इसमें ये जो इसका लीव्स है, ये वाला जो है पोर्शन जो देख पा रहे हैं, इसका जो ये अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं या इसको कट करते हैं तो इसका जूसी निकलता है, जूस निकलता है। इससे जो है हम लोग अपना मेडिसिनल का जो ये है जूसी है वो हम लोग इसको जो है कलेक्ट करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज जनरल यूजेस और होम किट में। हम लोग जो एलोवेरा या एलोज का जो है इसका बहुत अच्छा एक्शन है जिसमें बताया गया है, या मार्केट में भी अवेलेबल है, दैट इज एलोज जेल के नाम से अवेलेबल है, या एलोज का ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है कि किसी को अगर बर्न हो जाए कोई कारणवश, या डायरेक्ट सन का एक्सपोज बार बार हम लोग के बॉडी में पड़ रहा है जिस वजह से उसका स्किन जो है कहीं ना कहीं ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया, या नॉर्मल डिस्कलरेशन होने से जो नॉर्मल कलर है उससे अगर डिफरेंट कलर हो जाए ड्यू टू बर्न के वजह से, या ड्यू टू फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन बर्न्स। रेडिएशन बर्न्स इन द सेंस ये हुआ कि कोई अगर एक्सरे करने गया और बार बार उस अफेक्टेड पार्ट्स में या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट्स में कोई बार बार अगर जो है ये करता है उसको हम लोग कहेंगे एक्सपोज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके स्किन में जो है अफेक्ट होता है, तो वो स्किन का कलर जो है कहीं ना कहीं डिस्कलरेशन हो जाता है, उस पार्ट्स में जो है ये पेन भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग एलोज जेल का हो या एलोज का एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छा जो माना गया है, या उसको रिलीफ भी देता है, जो हम लोग इसके हिस्ट्री में बता रहे हैं या पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इसमें एक और मेडिसिन दिया गया है, दैट इज कैलेंडुला, जो हम लोग को मालूम है कि कैलेंडुला मेडिसिन जो है ये एंटीसेप्टिक रेमेडी के नाम से हम लोग जानते हैं या हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कैलेंडुला का जो एक्शन है वो भी जो है बर्न पे है, थोड़ा भी कहीं जल जाए या कट जाए, अगर हम लोग कैलेंडुला ऑइंटमेंट को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग का जो टेंडेंसी है उस अफेक्टेड पार्ट्स में जहां उसको बर्न हुआ है उसमें भी जो है उसको रिलीफ मिलता है। उसके अलावा चाहे वो एलोज एलोज हो या कैलेंडुला हो, ये जो है पेनफुल इन्फ्लामेशन में या इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो है बहुत हद तक उसको प्रिवेंट करता है, बहुत हद तक उसको बचाता है। अगर किसी का अफेक्टेड पार्ट्स में जो है बर्न होता है, जाहिर सी बात है कि जहां बर्न होता है वहां पे जो है पेन भी होता है, पेन कैसे होगा या पेन का सेंसेशन कैसे लगेगा कि कोई अगर हम लोग अपने अपने सपोज कि हम लोग के हैंड्स में हुआ है और हम लोग जो है अपने फिंगर टिप से अगर उसको टच करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा एक्सटर्नल इंप्रेशन से अगर हम लोग उसको टच करना चाह रहे हैं तो उस अफेक्टेड पार्ट्स में जो है हम लोग का वो सेंसिटिव हो जाता है, हो जाने के वजह से हम लोग उस अफेक्टेड पार्ट्स को जो है टच करने नहीं देते हैं। तो वैसा जो है हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि पेनफुल में या पेन कंडीशन में भी जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में अभी बात करेंगे पार्ट यूज, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लीव से हम लोग इसको जो है इसके पार्ट से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां तक बात है तो ये उस टाइप के पीपल पे है जो कि ओल्ड पीपल है। ओल्ड पीपल इन द सेंस ये हुआ कि जो एजेड पीपल है अबव 50 इयर्स अबव 60 इयर्स, उसमें जो है ये जो कंप्लेन है ये हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं कि उस टाइप के पर्टिकुलर फिजिकल मेकअप में जो है हम लोग एलोस को जो है बहुत अच्छा तक या अच्छा करने के लिए जो है हम लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं, या इस टाइप का सिम्टम बहुत ज्यादा आता है जो कि एजेड पेशेंट में बताया गया है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसी के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि ओल्ड बियर ड्रिंकर्स, दोज टाइप ऑफ पेशेंट, दोज टाइप ऑफ पर्सन हु आर फ्रीक्वेंटली टेकिंग एल्कोहलिक प्रोडक्ट या नार्कोटिक प्रोडक्ट, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है, मच क्वांटिटी, चाहे मच क्वांटिटी भी हो या एट ए शॉर्ट क्वांटिटी भी लेगा, लेकिन जो है वो बार बार लेता है, तो उस टाइप के पेशेंट में भी हम लोग देखते हैं
कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे जो इसमें बताया गया है ओल्ड बियर ड्रिंकर्स या हम लोग ओल्ड एल्कोहलिक पेशेंट, जस्ट अभी हम लोग ये जो पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं दैट इज ओल्ड बियर ड्रिंकर्स या ओल्ड पर्सन, तो जस्ट सिमिलर हम लोग इंट्रोडक्शन में भी अभी देखे कि बहुत सारा सिम्टम जो है नक्स वोमिका से जो है मैच करता है। मैच इन द सेंस ये है कि नक्स वोमिका का भी जो पेशेंट है वो भी सेडेंटरी लाइफ से जो है वो हैबिचुअल है और उसमें भी जो है हैबिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सिम्टम अराइज होता है। हम लोग देखते हैं कि नक्स वोमिका का भी पेशेंट जो है उसको भी टेंडेंसी होगा लेकिन जो है उसका मोशन क्लियरेंस नहीं होता है। वैसे आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। ठीक, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे कि ओल्ड बियर ड्रिंकर्स या दोस टाइप ऑफ पर्सन हु आर सेडेंटरी लाइफ से सफर करते हैं या फ्लेगमेटिक हैबिट। हम लोग बहुत सारे पेशेंट में देखते हैं कि पेशेंट जो है वो फ्लेगमेटिक हैबिट से जो है उसका एक्टिविटी जो है फ्लेगमेटिक रहता है। फ्लेगमेटिक का मीनिंग हो गया दैट इज अनएक्टिव, जो कि इनएक्टिव में हम लोग देखते हैं लिथार्जी, बहुत ज्यादा लिथार्जी रहेगा, काम पेशेंट रहेगा। वो उसको कुछ भी काम दिया जाए, चाहे वो फिजिकल वर्क दिया जाए या मेंटल वर्क दिया जाए, सभी वर्क जो है कहीं ना कहीं उसको जो है एक ये उसको हम लोग कहेंगे इनएक्टिव, प्रॉपर वे से नहीं करता है, प्रॉपर टाइम में जो है वो शो नहीं करता है, बहुत ज्यादा लिथार्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है, उसको हम लोग फ्लेगमेटिक हैबिट्स के नाम से जानते हैं। तो चूंकि अभी सेडेंटरी लाइफ का बात चल रहा था तो हम लोग नक्स में भी देखते हैं कि नक्स वोमिका का पेशेंट जो है उसका भी जो हैबिट है वो सेडेंटरी हैबिट्स है, उसका कोई भी जो है एक टाइमिंग में नहीं होता है, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना सारा जो है लेट नाइटिंग या हम लोग जो है नाइट वॉचिंग के नाम से भी जानते हैं नक्स वोमिका को। वैसे ही हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे जो कि एलोस्ट्रोकोटिना को भी बताया गया है, इसका भी पेशेंट जो है ये सेडेंटरी लाइफ या सेडेंटरी हैबिट से ये सफर करता है। नेक्स्ट है दैट इज मियाज्मेटिक बैकग्राउंड, तो मियाज्म जो है इसका सोडा है और इसका थर्मल रिलेशंस जो है दैट इज हॉट पेशेंट, ये जो है इसका पेशेंट जो है ये हॉट पेशेंट का जो है इसका थर्मल होता है। नेक्स्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जो हम लोग इसमें अभी देखेंगे कि गाइडिंग सिम्टम, बहुत सारा सिम्टम हम लोग जो है गाइडिंग सिम्टम, ये एक ऐसा सिम्टम है या हम लोग उसको कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग हर मेडिसिन को या हर मेडिसिन का थीम जो है हम लोग उस मेडिसिन पे देखते हैं। वैसे ही आप लोग को आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में भी देख रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कहीं ना कहीं हम लोग को मेडिसिनल थीम के विषय में मालूम चल जाता है कि इसका मेडिसिन का जो थीम है वो क्या बताना चाह रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में अभी तक देख लिए या इसके इंट्रोडक्शन में देख लिए या इसके हैबिटेट में देख लिए कि कहाँ इसका ओरिजिनेशन है, अब जो है हम लोग इसके गाइडिंग सिम्टम में देख रहे हैं कि गाइडिंग सिम्टम बता रहा है कि जो भी इसका कंप्लेन है वो सारा एग्रेवेशन होता है हीट से, डायरेक्ट हीट एक्सपोजर हो या ड्रिंकिंग हीट, ये हीट या हॉट वाटर लेने के वजह से इसका कंप्लेन एग्रेवेशन होगा। इसको रिलीफ कैसे मिलेगा? बाय टेकिंग कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है कि इसका जो हेडेक है वो पीरियोडिकली होगा, पीरियोडिकली इन द सेंस ये हुआ कि एट ए सर्टेन पीरियड एट ए सर्टेन टाइम जो है फिक्स रहेगा,
कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जिसका जो भी कंप्लेन हो वो सारा कंप्लेन जो है सुबह 9 बजे या सुबह 8 बजे होता है। फिर जो है जैसे जैसे सनसेट होता है उसका जो हेडेक है वो रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट कोई एक ऐसा पेशेंट है उसको भी हेडेक होगा लेकिन उसका जब भी जो टाइमिंग है वो नाइट में जो है एग्रावेशन होता है। जैसे ही वो बेड के कॉन्टेक्ट में जाएगा उस समय जो है उसका हेडेक जो है एग्रावेटेड हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि पीरियोडिकली हेडेक होगा विद अल्टरनेट विद लंबैगो। लंबैगो दैट इज द लंबर पेन, पेन इन द लंबर, जो इसके कंकॉमिटेंट सिम्टम या एसेसरी सिम्टम में हम लोग देखते हैं। कैलोस का जो भी कंप्लेन होगा चाहे ये कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन हो या डायरिया कंप्लेन हो उसमें जो है उसको हेडेक के साथ लंबर पेन का जो है अल्टरनेट का जो है सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि इट्स अ रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट फॉर सेडेंटरी लाइफ और हैबिट्स, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली बात कर चुके थे। इसका जो भी बैड इफेक्शन होगा वो सेडेंटरी हैबिट्स या सेडेंटरी लाइफ के वजह से जो है इसका कंप्लेन या इसका एलिमेंट्स फ्रॉम हम लोग देखते हैं मेडिसिन में। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जो है सेडेंटरी लाइफ या सेडेंटरी हैबिट से वो सफरिंग करता है जिस वजह से उसको जो है ये कंप्लेन जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि दोज टाइप ऑफ पर्सन हु आर वियरी पीपल एजेड ओल्ड बियर ड्रिंकर्स। अभी हम लोग बात किए कि उस टाइप के पेशेंट में या उस टाइप के पीपल या उस टाइप के पर्सन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो कि ओल्ड एल्कोहलिक पेशेंट रहे, ओल्ड बियर ड्रिंकर्स रहे, उनको जो है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट होता है जो इस मेडिसिन से बताया गया है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके डायरिया में देखते हैं तो डायरिया का जो भी सिम्टम है चाहे कुछ भी खाना खाए या कुछ भी थोड़ा भी जो है अगर लिक्विड ड्रिंक करे तुरंत जो है उसको डायरिया सेटअप हो जाता है। कुछ भी खाना खाए चाहे वो सॉलिड फूड हो या सेमी सॉलिड फूड हो या लिक्विड ड्रिंक हो कुछ भी लेता है तुरंत जो है उसको डायरिया सेटअप हो जाता है। उसके अलावा इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि इसका जो भी डायरिया का कंप्लेन होगा वो स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। जब भी पेशेंट का सिम्टम हम लोग देखते हैं एलोज में वो बताता है कि जैसे ही हम अपने बेड में बेड से वेकअप करते हैं, बेड से जैसे ही बेड छोड़ते हैं तुरंत जो है हमको डायरिया हो जाता है क्योंकि कुछ भी खाना खाने से या कुछ भी पीने से जो है उसको कंप्लेन एग्रावेटेड होता है। और इसका जो डायरिया का एग्रावेशन है दैट इज अर्ली मॉर्निंग डायरिया। हम लोग अर्ली मॉर्निंग डायरिया में तुम लोग बाद में पढ़ोगे एक सब्जेक्ट है दैट इज रेपर्ट्री जो कि थर्ड बीएचएमएस से शुरू होता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट है रेपर्ट्री। रेपर्ट्री में हम लोग देखते हैं कि इसका जो ये है प्रॉब्लम है जो अर्ली मॉर्निंग डायरिया में रेपर्ट्री में केंट रेपर्ट्री में जो है दो रेमेडी को या दो मेडिसिन को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है दैट इज एलोस ट्रोकोटिना एज वेल एज सल्फर। ये दो रेमेडी ऐसा है जो कि अर्ली मॉर्निंग डायरिया में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो वैसे ही हम लोग इसके अर्ली मॉर्निंग डायरिया में जो अभी देख रहे हैं एलोस ट्रोकोटिना में जो है ये सिम्टम हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है इसके हेमोराइडल कंप्लेन में जो इसके हम लोग इंडिविजुअल में जब हम लोग आएंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि हेमोराइडल हो जो कि हम लोग पाइल्स के नाम से जानते हैं कि पाइल्स में भी जो है इसमें ब्लीडिंग पाइल्स होता है। और उसके अलावा जो है जब भी वो पेशेंट जो है मोशन करने जाएगा तो मोशन करने के दरमियान जो है उसके इसमें रेक्टम से जो है एक मांस का ग्रोथ रहता है, बंच ऑफ ग्रैप्स लगेगा कि एक अंगूर का गुच्छा जो है एक जो है वो हैंगिंग कर रहा है इन द रीजन ऑफ रेक्टम इन द रीजन ऑफ एनस। तो वैसे ही जो है एक पिकुलियर कैरेक्टर जो है हम लोग इस एलोज में देख रहे हैं कि एक तो उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी भी है, ब्लीडिंग भी होता है इसको, इसमें जो है प्रोट्यूड बाहर निकल जाता है जैसे ही पेशेंट जो है ये मोशन करने जाएगा स्टूल करने जाता है तो उसमें जो है एक बंच ऑफ ग्रैप्स लगेगा कि एक अंगूर का गुच्छा जो है बाहर निकल गया है, एक एबनॉर्मल मास का भी जो है वो ग्रोथ करता है। तो अभी तक जो है जो हम लोग अभी ये कुछ पॉइंट देखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में ये आज तक के लिए हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अभी सभी कोई अपना जो वीडियो है वो अनम्यूट कर लीजिए और वॉइस को म्यूट कर लीजिए। वॉइस म्यूट रहेगा
और वीडियो जो है सभी का अनम्यूट रहेगा, जिससे जिससे भी पूछा जाएगा वो अपना फोन जो है अनम्यूट करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। सब कोई अपना वीडियो अनम्यूट कर लिए हैं? रोल नंबर 16, आंचल केसरी इज प्रेजेंट और एब्सेंट? यस सर प्रेजेंट। अभी तक जो बताया गया है इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। रोल नंबर 100, रोल नंबर 100 लेट से आई है, कुमारी शिवांगी पहले थी। अच्छा थी कुमारी शिवांगी प्रेजेंट प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है। रोल नंबर 11, मनीष दुबे। यस सर, यस सर। हाँ, जो एलोस रोकोटीना में बताया गया है उसमें समझ में आ गया या इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। रोल नंबर 29 इज प्रेजेंट। रोल नंबर 29, रोल नंबर 29 साउंड नहीं आ रहा है, तुम अपना वाला म्यूट करके रखी हो। हाँ सर, सर हाँ हाँ जो एलोज में भी बताया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या जो बताया गया है वो समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? 29 यस सर। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 23, 23 रोल नंबर। हाँ, जो बताया गया है वो समझ में आया अभी तक? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 60, 60 कौन है? यस सर। हाँ, जो अभी एलोज में बताया गया है वो समझ में आ गया? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। अभी जो है एलोज का जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में अभी हम लोग देखे इसके प्रूवर कौन है? जी सर, एलोज रोकोटीना के प्रूवर कौन है? सर आवाज कट रहा है आपका। अब तो आवाज कटेगा ही, यहाँ से अटेंडेंस भी कटेगा। जिसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा उसका अटेंडेंस कटेगा, यहीं से हम एक ही बार बोलेंगे। सर ठीक है। बोलिए बोलिए सर। हाँ, एलोस रोकोटीना के प्रूवर कौन है? सर सर हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। डॉक्टर हेल्विक है। ठीक है। किस ईयर में हुआ है? किस ईयर में अप्रूव किया गया है देख के बताओ, किस ईयर में किया गया है? ठीक है। रोल नंबर, ठीक है तुम बताते रहो बाद में। चलो रोल नंबर 46, यस सर। जो बताया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है या क्लियर है? जी सर, बहुत कुछ समझ में आया था सर। बहुत कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, यस सर। हाँ समझ में आ गया?
यस सर ठीक है। रोल नंबर सिक्स, सिक्स पटना गया है कि दिल्ली में है? तुम अपना वॉइस को अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रहा है। आपको हेलो। ठीक है, दिल्ली में सब ठीक है? गुड़गांव तो दिल्ली में नहीं है। चलो दिल्ली में नहीं हो, चलो गुड़गांव हो, चलो ठीक है। रोल नंबर 34, 34 रोल नंबर। यस सर। 34 का वीडियो ऑन नहीं है? जी जी कर रहे एक मिनट सर। तुम पिछले क्लास में रिस्पांस नहीं किए थे, इसी के लिए अटेंडेंस कर रहे हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। लाइट नहीं है रूम में। किसके यहाँ लाइट नहीं है? लाइट था सर। कौन बोल रहा है लाइट नहीं है? तुम्हारे ही बैचमेट बोल रहे हैं लाइट नहीं है। अरे सर क्या, ठीक है। रोल नंबर एट प्रेजेंट और एब्सेंट। रोल नंबर एट एब्सेंट है, एब्सेंट कर दो। रोल नंबर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट यस सर। प्रेजेंट हो तो कहाँ दिख रहे हो सर? दिख रहे सर। अच्छा दिख रहे हो, ठीक है। जो अभी बताया गया है उस समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ गया सर। ठीक है नेक्स्ट। लवली निगम, कौन है लवली निगम? यस सर। हाँ लवली निगम का ये अनम्यूट नहीं है वीडियो सर, अनम्यूट कर दिए। क्या हो गया है? लवली निगम अनम्यूट है सर। ठीक है नेक्स्ट। हाँ सर। हाँ मनु गुप्ता का रिस्पांस नहीं आ रहा है, अटेंडेंस देख लेना। मनु गुप्ता का अटेंडेंस देख लेना, कर दो अटेंडेंस। नेक्स्ट रोल नंबर 19, कौन है 19? यस सर। 19 का क्या नाम है? चरण। आनंद चरण सर, चरण। अच्छा चरण, तो चरण को सब समझ में आ गया लोज में जो बताया गया है? जी सर। ठीक है नेक्स्ट 57 रोल नंबर। अभी भी देख पा रहे हैं, चाहे संजीत हो, कोमल हो, अमनदीप, कृति, गौरव, दिव्या गुप्ता, मनु, आशिफ, शुभम, अनुषा वर्मा, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, सभी का अटेंडेंस यहीं से कट जाएगा। यस सर। मेरा मोबाइल का कैमरा खराब है सर। हाँ वो तो होगा ही। हेलो। हाँ सर। हाँ यस सर। गोल्डी कुमारी 47 रोल नंबर। हाँ सर। यस सर। हाँ समझ में आ गया। रोल नंबर 12, 1 2। यस सर। हाँ यस सर। गया सर, वो कि मतलब थोड़ा सा सुन नहीं पाए सर। जर्मन डॉक्टर हेल्विन इन जर्मन जर्मनी सर, कितने मतलब उसका क्या वो था? डॉक्टर हेल्विन जो है वो जर्मनी में ये मेडिसिन प्रूव हुआ इन द ईयर ऑफ 1833, 1833 में ये रेमेडी को प्रूव किया गया, प्रूव बाय डॉक्टर हेल्विन, जो कि हम लोग एलोसोपेथी में देख रहे हैं। ठीक है ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट कोमल 96। कोमल का वीडियो ऑन नहीं है, ऑन है, अपने वॉइस को अनम्यूट करो 96। हाँ यस सर। बताया गया है समझ में आया? जो बताया गया है समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है गुलशन कुमार, मैं गुलशन रोशन ना, क्या नाम है? गुलशन। गुलशन का रिस्पांस नहीं आ रहा है, ठीक है नेक्स्ट। गुलशन का अटेंडेंस काट दो। एक और कौन है? नजरुद्दीन 70।
यस सर बोलिए। 70 को नहीं देख पा रहे हैं। यस सर। 70 कहाँ है? वीडियो ऑन करो। सर ऑन है सर। हाँ 70 रोल नंबर। ठीक है, जो बताया गया वो समझ में आया? यस सर। ठीक है, रोल नंबर 90। सर रोल नंबर 37। कौन है 37? रोल नंबर 90 का वीडियो ऑन है।